हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड गुलाब जामुन। तो आप ये सामग्री देख सकते हैं, ये ब्रेड लिए हैं हमने बड़े थोड़े, और ये दूध है और ये चीनी है चाशनी बनाने के लिए। तो अब हम ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हम अब इनको निकाल देंगे, ब्रेड थोड़ा ब्राउन कलर को हम निकाल देंगे इसमें से इस तरह से, और हमको सिर्फ वाइट ही चाहिएगा बीच वाला हिस्सा। तो ये देखिए काट लिया है हमने, अब हम दूसरे को भी काट लेंगे इसी तरह से। तो आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे, दिखाते रहेंगे हम। और आप ये देखिए, हमने अपने ब्रेड कटिंग कर ली है अच्छे से आपको, और अब इसमें हम दूध डालेंगे जितना कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम दूध डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप, तो ये अच्छे से सॉफ्ट तो हो जाएंगे। तो इसी तरह आप भी कर लीजिएगा, और ये ज़रूर हमारी रेसिपी बनाइएगा। आप लाइक और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं गाइस कि इसकी मथाई हो रही है। इसको अच्छे से जैसे खोआ को मसलते हैं, वैसे ही इसको भी हम कोई की तरह ही इसको कर लेंगे। इसको अच्छे से डो बना लेंगे बढ़िया तरह से इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से मथेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर। तो आप देख सकते हैं अच्छे से स्मूथ बना लेंगे इसको, जैसे कि हम उसको मथे हैं जैसे। थोड़ी सी इलायची डाली हमने कूट कर, ग्रीन इलायची इसमें खुशबू के लिए। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा अंदर कलर डाले हैं हम और के लिए थोड़ा अंदर, तो उसमें अच्छा लगेगा। फूड कलर लिया है हमने ऑरेंज। तो ये देखिए गाइस, अब हम इसको तो गोल पेड़े की तरह तोड़ लेंगे, छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे इसके हम रसगुल्ले की बराबर गोल गोल। ये देखिए गाइस, हमने रिफाइंड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम अपने गुलाब जामुनों को फ्राई करेंगे, तो इसको गर्म होने देते हैं। ये देखिए गाइस, हमने गोला सा बना लिया। अब इसमें हम दूसरा गोला डालेंगे इस तरह से, इसमें स्टफिंग करेंगे इसकी, दूसरे को डालकर अंदर से अब इसको गोल कर लेंगे। रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का शेप देंगे। ये देखिए आराम से, ये देखिए गाइस, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा गोल गोल। ये देखिए, अब हम सभी को इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे बन गए हैं गोल गोल। अब इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने गुलाब जामुन फ्राई करेंगे अच्छे से इनको कलर आने तक। ये देखिए गाइस, कलर चेंज हो रहा है। इनको और थोड़ा फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, अच्छे से गोल्डन से हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे ब्रेड गुलाब जामुन चाशनी में डाल दिए हैं हमने। अब ये अच्छे से सॉफ्ट होने तक इनको चाशनी में ही रहने देंगे। थोड़ी चाशनी गर्म ही रखना, हल्की हल्की सी। तो उसमें ऐसे थोड़ी 10-15 मिनट के लिए आप इन्हें ऐसे ही इसमें डूबे रहने देना चाशनी के अंदर। तो अच्छे से बढ़िया तरह से चाशनी को सूख लेंगे ये। और ये देखिए गाइस, हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं, ब्रेड गुलाब जामुन। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।